हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं विक्की बर्थवाल और आज सामने खड़ी है बजाज की पल्सर 125 सीसी की बाइक। आज इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या प्राइस है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2022 में। इसमें ये न्यू मॉडल है, इसमें बेसिकली क्या है, अब ड्यूल सीटिंग सेटअप है और कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं शोरूम की डिटेल डाल दूंगा और फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप शोरूम से ऑन रोड प्राइस और ईएमआई वगैरह की स्कीम के लिए भी कॉल कर लेना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे रेड कलर का बटन दबा के, मेरे मोटिवेशन के लिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 81,200 रुपये। बाकी इसमें ऑन रोड प्राइस होता है वो डिपेंड करता है आपके स्टेट टू स्टेट में कि कौन से स्टेट में आप इसको ले रहे हैं, वहाँ के हिसाब से जो इसके बाकी स्पेसिफिकेशन होंगे वो आपके वीडियो में आ जाएंगे। मैं मोस्टली बाइक के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो आप कहीं भी देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको वही हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगी जो नॉर्मली इसमें पहले से आती आ रही है। साथ में यहाँ पे आपके पायलट लैंप है दोनों तरफ जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो ये पल्सर की जो लुक है काफ़ी पुरानी है लेकिन अभी भी लोगों को काफ़ी पसंद है। यहाँ पर छोटी सी विंडशील्ड है। बेसिकली पल्सर 125 उनके लिए ठीक है जो कि पल्सर सीरीज ही लेना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू प्राइस फैक्टर और माइलेज फैक्टर वो नहीं ले सकते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है 125 सीसी में। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर ऑप्शन कोई और सकता है, इतनी ह्यूज और बढ़िया बाइक है। इसमें अगर आप स्टिकरिंग हटा दें तो कहीं से भी कोई नहीं बता सकता कि ये 150 सीसी है 180 सीसी की बाइक है। इंडिकेटर की बात करें तो बल्ब इंडिकेटर है और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मडगार्ड की बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक कलर में मडगार्ड है। और साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। सेफ्टी फीचर को देखते हुए यहाँ पर रिफ्लेक्टर दे रखे हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्टर दे रखे हैं और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं। सीट के टायर दे रखे हैं। टायर साइज़ की बात करूँ फ्रंट में तो 80-117 के टायर हैं और C8 के जूम टायर है, काफ़ी अच्छे टायर हैं। और बाकी इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंजन काउल मिल जाता है ब्लैक कलर में, ये न्यू ऐड किया है। इसमें रेड कलर की स्टिकरिंग दे रखी है, काफ़ी अच्छा लुक इनहेंस कर रही है। ये क्रैश गार्ड दे रखा है ब्लैक कलर का, काफ़ी हैवी ड्यूटी क्रैश गार्ड है। साइड पैनल की बात करें तो साइड पैनल में यहाँ पे फेयरिंग है, फेयरिंग में स्टिकरिंग दे रखी है। ये न्यू कलर ऑप्शन, नया ग्राफिक्स आया है इस बार। यहाँ पे पल्सर की 3D में बैजिंग दे रखी है। ये किक हो गया, किक एज वेल एज सेल्फ दोनों है इसमें। मेरे हिसाब से तो किक होना मैंडेटरी सही रहता है बाइक्स में, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे किक्स कंपनियाँ निकाल रही हैं, पता नहीं क्यों निकाल रही हैं, क्योंकि किक होने से एक बेटर फ्यूचर ये होता है कि विंटर्स वगैरह में अगर आपके बाइक अगर सेल्फ नहीं दे रही है ड्यू टू बैटरी लो है तो आप किक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है, हैवी ड्यूटी है। इस तरीके की मैं आपको कह देता हूँ, इस तरीके की नॉर्मल दो की मिल जाती है। मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, सिर्फ टैकोमीटर आपको एनालॉग मिल जाता है। ये आपका यहाँ पे फ्यूल गेज मिल गई, यहाँ पे किलोमीटर ट्रिप और साथ ही साथ इधर रीसेट का बटन है, न्यूट्रल हो गई बैटरी, इंडिकेटर्स वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ कुछ मीटर में जो यहाँ पर जो पेंट स्कीम करी है वो कार्बन फाइबर फिनिश में पेंट स्कीम करी है। यहाँ पे इंजन किल स्विच का बटन मिल जाता है, ये इंजन स्टार्ट का बटन है। इस तरीके के कुछ मिरर मिल जाते हैं जो पहले से लगे, ऐसे ही सेम मिरर पहले भी आते थे। यहाँ पे लो बीम हाई बीम का बटन है, इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न का स्विच है और ये पास का बटन है। जो हैंडल बार है क्लिप ऑन हैंडल बार है, हैंडल बार काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर में हैंडल बार है। 125 सीसी की बाइक में मतलब इस तरीके का हैंडल बार देना, इस तरीके की स्कीम देना काफ़ी अच्छी है। और टैंक कुछ इस तरीके का, टैंक कुछ इस तरीके का मिल जाता है इसमें। यहाँ पे आपका टैंक प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टिक दे रखी है। सीट की बात करें तो सीट ड्यूल सीटिंग सेटअप है पिलियन एलेजो राइडर के लिए। इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है पिलियन को बैठाने के लिए, आपकी वाइफ हाउस वाइफ वगैरह मदर कोई भी है, जो आजकल की बाइक आ रही है वो काफ़ी ऊँची होती है, पीछे से तो बैठाने में प्रॉब्लम होती है। सीट की जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी है, पैडिंग काफ़ी अच्छी करी है और जो इसके ऊपर ये क्या कहते हैं आप बोल सकते हैं कवर चढ़ा रखा है लेदर का, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। वहीं पर ही जो ये ग्रैबरील है प्लेन को बैठाने के लिए, ये स्प्लिट ग्रैबरील है ब्लैक कलर की, सही है ठीक ठाक ग्रैबरील है। यहाँ पे 125 सीसी की स्टिकरिंग मिल जाती है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफिक्स है। यहाँ पे प्लेन के लिए फुटरेस्ट दे रखा है, साथ ही साथ एग्जॉस्ट है ब्लैक कलर में पूरा का पूरा और ऊपर से ही ब्लैक कलर की स्केट प्लेट दे रखी है। इससे क्या बेनिफिट होता है, आपके पैर वगैरह इसमें अगर गलती से लग जाते तो पैर वगैरह जलते नहीं है, एक ये इशू है। एक बार मैं आपको हॉर्न सुना देता हूँ, हॉर्न मतलब कि साउंड इसके इंजन की किस तरीके से इसका एग्जॉस्ट साउंड है, कुछ इस तरीके की साउंड है बाइक की, सही साउंड है। पीछे के ये आपके शॉकर मिल जाते हैं मोनोशॉक, आगे टेलीस्कोपिक शॉकर्स है। और ये आपका टायर अगर दे रखा है, और पीछे के टायर की बात करें तो ये भी C8 का टायर है। इसके साइज़ की बात करें
तो 190/17 का टायर है, ठीक ठाक टायर है। यहाँ पे स्टिकरिंग दे रखी है रेड कलर की, जो बाइक को थोड़ा प्रीमियम लुक और स्पोर्टी लुक देती है साइड से। वहीं से टेल लाइट की बात करें तो आपकी टेल लाइट LED टेल लाइट मिल जाती है, जो पहले से चली आ रही है वैसी टेल लाइट है और काफ़ी अच्छी पसंदीदा टेल लाइट है, लोगों को काफ़ी पसंद है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह दे रखी है, इधर इंडिकेटर हो गए। साइड से बात करें तो साइड में ये साड़ी गार्ड दे रखा है, साथ ही साथ फुट गार्ड है, और साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों के दोनों दे रखे हैं। ये आपको हॉर्न दे रखा है, सिंगल हॉर्न दे रखा है, और हॉर्न की जो साउंड है काफ़ी अच्छी है। इंजन पूरा का पूरा ब्लैक उस पर है, पेंट में है, पूरी बाइक ही ब्लैक उसमें है, बस ग्राफिक्स थोड़े से चेंजेस है। ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी 125 cc में इस प्राइस रेंज में। आपके साथ आप अगर इसका ऑप्शन देखते हैं और इसका कंपटीटर देखते हैं तो आपको TVS राइडर दिखती है 125, या फिर होंडा की आपको SP125 दिखती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अगर मेरे को पर्सनली पूछेंगे तो मुझको 125 cc के सेगमेंट में ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो पल्सर का ब्रांड नेम है और जो इसकी इंजन क्वालिटी है पहले से काफ़ी रिफाइन आ रही है और बड़ी सही बाइक लगती है। मुझे कहीं से भी नहीं लगेगी 125 cc की बाइक है, अगर आप मैं इसकी स्टिकरिंग निकाल दूँ तो कहीं से भी नहीं लग रही है कि 125 cc की बाइक है। होप वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके आंसर कर दूंगा, और शोरूम की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। थैंक यू सो मच।